कर चुके। एक बात बताओ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पढ़ रहे हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बता सकते हो? क्या जरूरत है मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे? आप कहेंगे मैडम मैथ्स ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे ही ऐसे ही है बस, बिना ही मतलब का। ऐसे ये कोई फायदा है मैथ्स का? चलो तो ये बता दो, आज मैथ्स पढ़ने का कोई फायदा होता है क्या? नहीं है बस फालतू में। फायदा होता है क्या फायदा होता है चलो बता दो आज, फिर क्या फायदा है मैथ्स? वो मैथ्स के टीचर आगे खड़े हो तो कहना पड़ता है फायदा होता है या वाकई में होता है? कोई एक एप्लीकेशन जो तुमने अभी तक मैथ्स में पढ़ा, उसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने आसपास में आप देख सकते हो, डेली लाइफ में कहीं देखते हो, कहीं कुछ किसी भी क्लास में, नॉट कि 9th में पढ़ा कि 6th में पढ़ा कि 2nd में पढ़ा, वो नहीं, कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैथ्स की जो आप अपने आसपास। प्रोबेबिलिटी हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी, ओके, प्रोबेबिलिटी की कैसे आप एप्लीकेशन देख रहे हैं डेली लाइफ में? प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियोज, एक्चुअली आप ये सब चीजें अपने आसपास यूज कर रहे हैं, सिर्फ आप कोरिलेट नहीं करते हो। आप में से अगर किसी को कुकिंग का शौक हो तो अगर रेसिपीज आप देखते हो तो 1/4 कप ऑफ दिस और उसका 2 गुना ये और वो, तो फ्रैक्शंस, रेशियोज, प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, सभी का यूज आप अपने आसपास देख रहे हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है बिना मैथ्स के, तो नेचर का काम भी नहीं होता, तो ह्यूमन बीइंग का तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है जी, तो आज हम जो बात करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम, चलो जो किताब में लिखा है वो तो पढ़ना ही है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास। सपोज मैं कहूं 9th है, 9th B में, दोनों में रोल नंबर 15, कहां बैठा, खड़े हो जाओ जरा एक बारी, रोल नंबर 15 इन ईच क्लास, 9th है रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 है ही नहीं क्या किसी का? है, चलो दोनों जगह खड़े हो गए हैं। मैंने एक पर्टिकुलर रोल नंबर से दो लोगों को दोनों क्लासेस में खड़ा कर लिया, अगर यहाँ पे 4 क्लासरूम भी होते या 6 क्लासरूम भी होते तो मैं कहती रोल नंबर 15, तो वो एक यूनिक नंबर दिया गया एक पर्टिकुलर पर्सन को, वो खड़ा हो गया और उसने बता दिया। अब अगर मैं बोलूं कि 9th A में जो 15 रोल नंबर खड़ा है उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है, आपने मुझे बताना है क्लास में, अभी रोल नंबर 15 नहीं पता मुझे, ठीक है, जहां पर वो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसकी लोकेशन बतानी है आपने मुझे, कैसे बता पाओगे आप अपनी क्लास के अंदर, कैसे समझाओगे? लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, अप जाऊं, डाउन जाऊं, कहाँ खड़ी होके किधर मूव करूं, अगर ये सब कुछ बताना हो तो कैसे बताएंगे? बैठ जाओ, बोथ रोल नंबर 15 प्लीज सिट डाउन। लेट अस से कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा है क्लास के अंदर कहीं पर भी, ठीक है, ऑन द फ्लोर, अभी हम 2 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द फ्लोर देर इज सम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड और मैंने उसको लोकेट करके बताना है। अगर घर में भी आपको मम्मी कुछ बोले कि उस कमरे में जाओ जी, उस अलमारी में देखो, इस शेल्फ पे ये पड़ा है, ऐसे करके आइडेंटिफाई करते हो चीजों को, ऐसे ही बताते हैं? Yes. आप किचन में अगर मम्मी भेज दे तो सामान मिल जाता है, ढूंढ लेते हो कभी कभी, तो आपको किसी भी चीज की अगर पोजीशन बतानी है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन हमें देनी पड़ती है। ऐसे ही अगर आपको कुछ रास्ते बताने हैं, किसी को समझाना है कि मान लो आपको अपने स्कूल से अपने घर का रास्ता किसी को समझाना है, तो आप क्या कहेंगे? स्कूल से बाहर निकलो, लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, फिर इतना स्ट्रेट चलना, फिर उसके बाद लेफ्ट चले जाना, व्हाटएवर, जो भी आपकी डायरेक्शंस हैं आप एक तरीके से बताते हो, यहां से यहां इतना चलो, फिर इधर से लेफ्ट चले जाओ, तो या तो सीधे चले जाओ या तो राइट चले जाओ, यू हैव टू टेल। तो ये सब कुछ जब हमें किसी भी चीज को लोकेट करना है तो वो लोकेशन पता करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसने शुरू किया ये कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट्स का? एनीबडी हु नोस? रीन डेकार्टे। अब सच्ची स्टोरी है झूठी मुझे नहीं मालूम, बट ये कहते हैं कि वो बीमार था, लेटा हुआ था बिस्तर पर,
और एक मक्खी घूम रही थी, कभी वो यहां बैठ जाती है, कभी वहां बैठ जाती है, कभी वहां बैठ जाती है। तो उसने सोचा कि अगर मुझे इस मक्खी की पोजीशन बतानी है तो कैसे बताऊं। जो एक्सप्लोर करने वाला माइंड होता है वो हर चीज में कुछ ना कुछ नया खोज लेता है। वो ऐसे नहीं हमारी तरह की किताब में पढ़ेगा तो पता चलेगा, वरना सोचा ही कुछ नहीं कि जितनी चीजें तुम पढ़ रहे हो किसी ने शुरुआत की उनकी। वो अलग तरह का माइंड चलाते हैं लोग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं तो नई चीजें आती हैं। तो जब उसने सोचा कि मैंने इसको लोकेट करना है, बताना है, तो उसने सोचना शुरू किया कि मैं डिस्टेंस के टर्म में देखूं कि यहां से इतने कदम चलूं, यहां से इतने कदम चलूं तो यहां पहुंच जाऊं। वहीं से कॉन्सेप्ट आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करोगे तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए रहेगी दैट इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब, अगर मैंने बताना है किसी को कि जैसे मान लो आप स्कूल से घर का रास्ता बता रहे हो तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? स्कूल। आप कहोगे स्कूल से बाहर निकलो, इतने किलोमीटर सीधे जाओ या इतना लेफ्ट जाओ या इतना राइट जाओ। कहीं से तो रेफरेंस पॉइंट उठाना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में बताओगे डिस्टेंस चलो या ये या वो कुछ भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप जिस सिचुएशन में काम कर रहे हो उसके हिसाब से आप बदल लेते हो। बस स्टैंड से घर का रास्ता बताना है तो बस स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट लेके चलोगे, स्कूल से घर का रास्ता बताना है तो स्कूल को रेफरेंस पॉइंट लेके चलोगे। लेकिन जब हम थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं बता सकते हो मुझे? हाँ जी, विच वन वी आर टेकिंग एज द रेफरेंस पॉइंट? एक जना माइक के पास आके बोलो, 9B, वन पर्सन कम नियर द माइक एंड टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। 9B, मैम जहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं वही हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे हम स्कूल से अपने घर का रास्ता बताएंगे तो हमारा स्कूल रेफरेंस पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है, ये बात हम कर चुके हैं। अब हम बात करें जो हम किताबों में पढ़ रहे हैं, जब हम बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो उस कंटेक्स्ट में हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेके चल रहे हैं? जीरो जीरो जीरो, दैट इज ओरिजिन को लेके चल रहे हैं। जब हम टू डायमेंशंस में हैं, टू डायमेंशंस मीन्स ये बोर्ड का सरफेस टू डायमेंशनल है, लेकिन अगर मैं रूम में लेट अस से इस पर्टिकुलर पॉइंट को लोकेट करना चाहती हूं तो ये थ्री डायमेंशन में आ गया। क्योंकि अब आपको जमीन से कितना ऊपर है, जमीन पे पहले तो लोकेट करोगे कुछ, और फिर जमीन से कितना ऊपर है वो भी लोकेट करना है, तो थ्री डायमेंशन में चले गए। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशन की बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहली चीज हम जो टू डायमेंशनल में बात करते हैं, एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, जिसको कि हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, तो हमने यहां पर क्या कहा? हमने दो लाइंस को रेफरेंस लाइंस ले लिया और वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी उसको रेफरेंस पॉइंट बोल दिया। दो लाइंस कौन सी कंसिडर की हमने? एक्स एंड वाई। ये जो हमने वर्टिकल लाइन ली है उसको हमने बोल दिया वाई एक्सिस, और जो हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ली है इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। ये जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं उसको हमने कह दिया ओरिजिन, एंड दिस इज माय पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब जब हमने ये दो स्ट्रेट लाइंस ली, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो क्या हुआ? इसने मेरे एक्स वाई प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? फोर व्हाट आर दीज फोर पार्ट्स कॉल्ड? क्वाड्रेंट्स। दे आर कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए शुड आई गो एंटी क्लॉकवाइज और शुड आई गो क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ये, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चल रहे हैं। तो ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं एंगल अराउंड अ पॉइंट कितना होता है, व्हाट इज एंगल अराउंड अ पॉइंट? किसी भी पॉइंट के अराउंड जो टोटल एंगल होता है कितना होता है? 360।
360 डिग्री। अब अगर मैंने 360 डिग्री, ये अगर ओरिजिन की बात करूं, इसके अराउंड ये टोटल एंगल इज 360, मैंने इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट में कितना कितना एंगल? 90 डिग्री। अब सोच के बताना, अगर मैं कहूं मेरा जो एंगल है अगर वो 180 डिग्री से लेकर के, एंगल को भी मैं एक्स कह दूं, से 270 डिग्री के बीच में है, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रही हूं? तो समझ के बोलना, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल एज 180 टू 270, इन विच क्वाड्रेंट एम आई? थर्ड क्वाड्रेंट। 0 से 90 का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कहां से कहां जाएंगे? 270 से 360। इफ आई टॉक अबाउट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। बच्चों अगर मैं कहूं कि मेरा एंगल 90 डिग्री है, देन इन विच क्वाड्रेंट एम आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। बेटा 90 का मतलब है आई एम ऑन द वाई एक्सिस, 90 इज नॉट इन एनी क्वाड्रेंट, इट इज ऑन द एक्सिस। तो 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180, 270, 360, ऑल दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट एंगल्स। ये सारे एंगल आपको दिख रहा है एक्सेस के ऊपर लाई करते हैं, वेदर ऑन एक्स एक्सेस और ऑन वाई एक्सेस। ठीक है जी, अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर मेरा पॉइंट, ये सर लास्ट पेज हमारा, अगर मेरे पास कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा और उसका y कोऑर्डिनेट कैसा? दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या मैं पॉजिटिव को x ग्रेटर देन जीरो ऐसे लिख सकती हूँ कि नहीं? आप सबको मालूम है जीरो से बड़ी जो भी क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव होती है, और जीरो से छोटी नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कुछ है तो उसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि ओ एक्स वी से इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओ एक्स डैश इज नेगेटिव वाई एक्सिस, ओ वाई इज पॉजिटिव वाई एंड ओ वाई डैश इज नेगेटिव वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नेगेटिव है और कौन सी पॉजिटिव है? X is negative, y is negative. In the third quadrant? X is negative and y is also negative. Both are negative, x as well as y. What is happening in the fourth quadrant? X is negative. X is positive, y is negative. आप मुझे एक बात बताएंगे, ये तो हमने बात करी जब हम क्वाड्रेंट में घुस गए। अब अगर मैं एक्सेस के ऊपर हूं, आई एम नॉट इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट्स, आई एम ऑन द एक्सेस। अगर मैं एक्स एक्सेस पर हूं तो मेरा पॉइंट कैसा होगा? इफ आई एम ऑन द एक्स एक्सेस, मुझे एक्स एक्सेस के ऊपर कोई भी पॉइंट बताना है, उसकी क्या एक पर्टिकुलर पहचान है? विच कोऑर्डिनेट जीरो, विच कोऑर्डिनेट जीरो? मैम वाई विल बी जीरो। वाई कोऑर्डिनेट जीरो। इफ आई एम ऑन द एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो। सो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म ए कॉमा जीरो। But if I am on y-axis, x is zero. बिल्कुल ठीक है जी। अगली बात, मैंने एक पॉइंट लिया
पी पॉइंट लेट अस से इसका कोऑर्डिनेट 3.4। सबने नहीं बोलना, मैं जिसको कहूंगी वही आगे माइक पे आके मुझे आंसर बताएगा। आई हैव टेकन द पॉइंट पी एज 3.4। आई वॉन्ट टू नो डिस्टेंस। व्हेन आई से डिस्टेंस, आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिर्फ हाथ खड़ा करना है, सबने नहीं बोलना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3.4 फ्रॉम एक्स एक्सिस, नाइन्थ ए में से ना नाइन्थ बी में से। दोस टू गर्ल्स, आ जाओ, कोई सी एक आगे आ जाओ बेटा माइक के पास। एनी वन आउट ऑफ द टू? फोर। ये बहुत गलती होती है, बिल्कुल ठीक आंसर है बेटा। देखो जी, अगर ये 3.4 मैं लोकेट कर रही हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, इस डायरेक्शन में कितने यूनिट चल रही हूं मैं? हाउ मेनी यूनिट्स? फोर यूनिट। और यहां से कितना चल रही हूं? थ्री यूनिट। इसका मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, वो क्या देता है? डिस्टेंस फ्रॉम विच एक्सिस? रिवर्स चलता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई कोऑर्डिनेट इज रिवर्स। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट। उल्टा चलेगा काम हमारा। अब एक बार बताओ, एक्स एक्सिस का और कोई नाम भी है? एक्स कोऑर्डिनेट का कोई और नाम है? और वाई कोऑर्डिनेट का? ऑर्डिनेट। एब्सिस्सा इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट एंड ऑर्डिनेट इज द वाई कोऑर्डिनेट। अब एक बात और बताना, मेरे पास एक पॉइंट है 3.-2 और एक मैंने लिखा -2.3। ये दोनों एक ही बात बता रहे हैं कि अलग अलग बातें बता रहे हैं? अलग-अलग। इसका मतलब ये जो हम पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक्स कॉमा वाई, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? ऑर्डर्ड पेयर। व्हेन आई से ऑर्डर्ड पेयर, इट मींस ऑर्डर मैटर्स। कौन किस पोजीशन पर बैठा है वो मैटर कर रहा है। सो अगर मैंने कहा एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इज सेम एज ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्स किसके इक्वल और वाई किसके इक्वल? बिल्कुल ठीक है जी। सो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर गोइंग टू बी सेम इफ देयर फर्स्ट एंट्रीज आर सेम एंड देयर सेकंड एंट्रीज आर आल्सो सेम, ओनली देन द टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेम, अदरवाइज दे आर नॉट सेम। अगले क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच के ध्यान से देना। क्वेश्चन है, मेरे पास दो पॉइंट्स हैं जिनके एब्सिस्सा मैंने सेम रखे हैं लेकिन ऑर्डिनेट बदल दिए हैं। दोबारा सुन लो। आई हैव केप्ट द एब्सिस्सा ऑफ टू पॉइंट्स सेम बट आई हैव चेंज्ड देयर ऑर्डिनेट्स। सपोज हम पॉइंट ले लें, एक पॉइंट है मेरे पास 3.5 और दूसरा है से 3.-7। आई हैव केप्ट देयर एब्सिस्सा सेम बट आई हैव चेंज्ड देयर ऑर्डिनेट्स। अगर ये सिचुएशन है तो ये दो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करके एक लाइन बनाऊं तो वो लाइन कैसी होगी? इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ओके, लाइन कैसी होगी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, कैसी होगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। इट विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेट अस सी। If my points are 3, 5,
वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव, दिस इज माई पॉइंट 3 5, एंड इफ आई हैव 3 -7, तीन यहां पर सेम रहा और समवेयर हियर इज 3 -7. इफ आई जॉइन दीज टू लाइन्स आई एम गेटिंग अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. इट मीन्स अगर एब्सिस्सा को सेम रखा जाए तो पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगा, और अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाना हो तो किसको सेम रखना पड़ेगा? हाँ, टू कीप माई ऑर्डिनेट सेम. वाई कोऑर्डिनेट को नहीं बदलना, एक्स को बदल दोगे तो लाइन मिलेगी विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इसका मतलब एक्स और वाई का जो काम है वो एक दूसरे से उल्टा चलता है. वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स को सेम रखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई को सेम रखो. किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से चाहिए तो वाई कोऑर्डिनेट देखो, वाई एक्सिस से चाहिए तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो. कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लोकेट करना हो तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो कर दो, वाई पे लोकेट करना हो तो. जीरो. चलिए जी, अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं. असाइनमेंट आप लोगों के पास है नहीं है तो चलो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, आप आंसर करते जाए. क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट्स एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, देन पॉइंट पी हैज, पॉइंट पी हैज फर्स्ट ऑप्शन एक्स कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट -5, वाई कोऑर्डिनेट 5 और -5. जल्दी से एक्स वाई प्लेन बना लो, प्लॉट करके देखो और आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा. एक पॉइंट है पी जिसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दिया है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. पॉइंट पी के बारे में आप क्या कह सकते हो इनमें से? जिसका हो जाए बाइक के पास आ जाना. 9th बी से आंसर आ रहा, 9th ए वाले बैठे हैं, 9th ए वाले कोई आंसर अभी तक करा नहीं है इन्होंने. 9th बी में से एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, मिडिल रो में से सेकंड बेंच. हाँ जी, आ जाओ बेटा माइक के पास आओ, आंसर दो. वाई कोऑर्डिनेट 5 आप कह रहे हो, आंसर बी है. हाँ जी, कोई और इसके अलावा कोई और आंसर बोलना चाहता है, या एवरीबडी सेज बी इज दी आंसर? सी ऑप्शन, वाई कोऑर्डिनेट -5. ओके, क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहां पड़ा है? इन दिस केस माई आंसर इज बी ऑप्शन. देखो जरा क्या कहा गया मुझे, मुझे कहा गया ये, मैं अगर अपनी एक्स और वाई एक्सेस बना लूं, मुझे कहा गया एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस. तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस का मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट देगा, एक्स के वाई? ये हाय बात तो क्लियर हो गई. पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाना है. अगर पॉइंट यहां लूं, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट यहां ले लूं, तब भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
नेगेटिव एक्स पर जा सकता है। पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 यूनिट, तो मेरी जो पॉइंट की पोजीशन है दैट कैन बी पी एज वेल एज पी डैश। अगर पोजीशन पी है तो वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा, और अगर पी डैश है तो वाई कोऑर्डिनेट -5। इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, वाई कोऑर्डिनेट कैन बी 5 और इट कैन बी -5। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है। आपको एक स्क्वायर दिया है, ये आप पहले खुद से जरा ट्राई करोगे फिर हम बात करेंगे। एक स्क्वायर दिया है जिसका एक वर्टेक्स, स्क्वायर में कितनी वर्टेसेस होती है बच्चों? फोर। चार में से एक वर्टेक्स मुझे दे दिया गया है, 3 2, एक बात दी है। दूसरा दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर एज 64 स्क्वायर यूनिट्स। तीसरी बात जो दे रखी है मुझे स्क्वायर के बारे में, दैट इज इट लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बाकी की तीन वर्टिसेस क्या क्या हैं ये बताना है। एक स्क्वायर है जिसका एक वर्टेक्स 3.2 पर पड़ा है, जो स्क्वायर है उसका एरिया 64 यूनिट स्क्वायर है, स्क्वायर पहले और चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, बाकी की तीन वर्टिसेस बतानी। शाबाश, जल्दी से सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन प्लॉट कर लो, उसमें स्क्वायर बना के देखो क्या बात कह रहा है। चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी एवरीबडी। थ्री टू, यहां पर एक पड़ा है मेरे पास कोऑर्डिनेट, स्क्वायर बनाना है जो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है जी, मैं यहां पर ऐसा बनेगा स्क्वायर। एमएस अगर एक स्क्वायर की वर्टेक्स 3 2 है तो मेरे पास एक्चुअली बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं। ये भी स्क्वायर हो सकता है, मैं अपने स्क्वायर को ऐसे भी ले सकती हूं, मैं स्क्वायर को ऐसे भी ले सकती हूं और ऐसे भी ले सकती हूं, लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगर मेरा स्क्वायर फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो ये है एबीसी। ठीक है जी, अब ए वर्टेक्स कितना दिया है मुझे? 3.2, 3.2। ये वर्टेक्स दिया है 3.2। अब मेरे को कहा गया बी सी और डी वर्टिसेस क्या क्या हैं ये बता दो, क्या करूं अब, कैसे पता लगाऊं? यहां से क्या पता चलता है तुम्हें कि अगर स्क्वायर का एरिया 64 यूनिट स्क्वायर है तो क्या इंफॉर्मेशन यहां से आप ड्रॉ कर सकते हो अबाउट द स्क्वायर? स्क्वायर, व्हाट इज एरिया ऑफ स्क्वायर? राइट इनटू साइड। इसका मतलब ये जो 64 है क्या ये साइड इनटू साइड मतलब एल स्क्वायर है? तो एल कितना आ गया? 8। इसका मतलब मुझे यहां से जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है कि जो ए बी लेंथ है या बी सी है
या सी डी है या ए डी है, चारों की चारों कितनी है, एट, क्योंकि स्क्वायर है तो सभी की लेंथ बराबर ही होने वाली। अब कुछ कर सकते हैं क्या? जल्दी जल्दी सोचो। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है 3.2 है, मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये ए बी डिस्टेंस 8 यूनिट है पता चल गया, तो क्या मैं बी पे पहुंच पाऊंगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज नॉट जस्ट यू कैन लोकेट की पॉइंट दे दिया कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट के साथ खेलना आना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स के साथ हाउ टू वर्क, दैट इज असेंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों जब आप ए से बी पर आ रहे हो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहे हो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस मूव कर रहे हो? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि अगर हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव करें तो कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं बदलता, एक्स नहीं बदलता कि वाई नहीं बदलता? बाय एक्स के पैरेलल चल रहे हैं उल्टा वाई नहीं बदलता, तो क्या बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल सकता है मुझे? कितना मीन्स हो गया? टू। जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चलती हूँ मुझे पता है वाई नहीं बदलता, तो वाई कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया। अब टी ए से बी पे आने के लिए कितने यूनिट चल रही हूं मैं? अगर यहां पर एक्स 3 था तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? मिल गया आपको 11.2? बात समझ में आई है? पहले बताओ, नाइन्थ है, या तो आपका माइक ऑन नहीं है या आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, आपके यहां से कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा। अगर माइक ऑन नहीं है तो माइक ऑन रख लो अपना और कुछ बोलो। नाउ थिंकिंग ऑन द सेम लाइंस, ट्राई टू फाइंड आउट डी एंड सी के कोऑर्डिनेट। अब आपको बी का कोऑर्डिनेट मिल गया है, पर ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला काम है। अब बी का कोऑर्डिनेट मिल गया और बी से सी में जाने के लिए किसके पैरेलल चल रहे हो? बाय वाई के पैरेलल चलते हैं तो कौन नहीं बदलता? कौन नहीं बदलता? नहीं बदलता। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 11 रहेगा। अब सोच समझ के आंसर करना, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? मैं बी से सी आने के लिए कितने यूनिट चल रही हूँ? सोच समझ के आंसर करना। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगेन आई एम सेइंग थिंक एंड देन स्पीक। व्हाट इज दी माइनस परफेक्ट, वेरी गुड। यहां से यहां आए तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूवमेंट थी, इसीलिए 8 इसके अंदर सीधा सीधा ऐड हो गया। लेकिन जब यहां से यहां जा रहे हो तो 2 यूनिट ये, मतलब आप 0 पे पहुंच गए, और 6 यूनिट नीचे आओगे तो यहां पर आए। 6 यूनिट किधर चले हो? नेगेटिव वाई एक्सिस में चले हो, तो ये हो गया माइनस। वेरी गुड, जल्दी से फटाफट अब डी के कोऑर्डिनेट बता दो, सबसे आसान तो अब यही रह गया, 3 निकल गए तो चौथे में तो दिक्कत ही कोई नहीं। मैम 3, परफेक्ट, जब मैं वाई के अलोंग चलती हूं तो एक्स नहीं बदलता, जब मैं एक्स के अलोंग चलती हूं तो वाई नहीं बदलता। यहां से एक्स उठा लिया, यहां से वाई उठा लिया, डी के कोऑर्डिनेट मिल। ठीक है जी, तो समझ में आ गया कि अगर मुझे एक वर्टेक्स दे दिया जाए और लेंथ दे दी जाए, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी है, मैं अपनी मूवमेंट करके उतने उतने यूनिट बाकी के कोऑर्डिनेट्स को बता सकती हूँ क्या होंगे। इज इट ओके? चलिए, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूँ और उसके अकॉर्डिंग करते जाना जरा। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि मेरे पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट जो कि है -1, -2। ए पॉइंट इज गिवन टू मी -1, -2। मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट से 3 स्पेसेस राइट में मूव करी हूं और दूसरा 1 स्पेस अबव मूव करी हूं।
अब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं ये बताना है मुझे। क्वेश्चन दोबारा सुन लो। अ पॉइंट ए इज गिवन टू बी -1, -2। इस पॉइंट से मैं तीन स्पेसेस या तीन यूनिट राइट हैंड साइड में मूव कर गई हूं और एक स्पेस अबव मूव कर गई हूं। इन विच क्वाड्रेंट एम आई? फोर्थ क्वाड्रेंट। 9th रूम सेज वी आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलिए जी, बाकी क्या कहते हैं? आर वी इन फोर्थ क्वाड्रेंट और नॉट? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? -1, -2 को लोकेट करना है। -1, -2 मतलब मैं यहां पर हूं अभी, ये ए है मेरा, -1, -2। राइट नाउ आई एम इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तीन स्पेसेस या तीन यूनिट राइट में मूव करना है। यहां से तीन यूनिट, एक यूनिट मूव करके यहां आ गई, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब यहां पे हूं, और एक यूनिट अबव मतलब फाइनली यहां पर हूं। तो कौन से क्वाड्रेंट में हूं मैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर इस पॉइंट को बी बोल दूं तो क्या इसके कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो आप मुझे? बोलो फिर क्या है। -1। देखो जी, यहां आए तो ये एक और एक, ये दो, एक्स की डायरेक्शन में 2 यूनिट, वाई नेगेटिव वाई में 1 यूनिट, सो 2, -1। आई एम इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर आई एम नाउ इज 2, -1। चलिए जी, अगला है। पॉइंट ए इज नाउ गिवन टू बी पॉइंट ए मुझे दे रखा है 20, 18। ए पॉइंट इज 20, 18 और जो मेरी मूवमेंट है अब दैट इज 40 स्पेसेस लेफ्ट। बस एक ही मूवमेंट करी अभी मैंने, 40 स्पेसेस लेफ्ट। इन विच क्वाड्रेंट एम आई एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट? दोनों बातें बतानी है। फर्स्ट कहां पर हूं अभी मैं? कहां पर हूं? फर्स्ट में। जब मैं 40 स्पेसेस लेफ्ट चली गई तो कौन से क्वाड्रेंट में हूं? क्वाड्रेंट। आई एम इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और आई हैव मूव टू दिस सम अनदर क्वाड्रेंट। 9th ए में से कौन मुझे बताएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी जो अभी पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 9th ए में से आई वांट आंसर। एनीवन फ्रॉम 9th ए? हाँ जी, 9th ए में से कौन बता रहा है मुझे? लो जी, फिर मैं ही बुलाऊं, आपने तो उठना नहीं है ऐसे ना। सिमरन, सिमरन फ्रॉम 9th ए। कम नहीं आता माइक? क्विकली क्विकली। हाँ जी बेटा बोलो। सिमरन, मैं हूं 20, 18 पर। 20, 18 का मतलब है मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूं बेटा? 18 20, 18 में सेकंड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 10 और ये 20 और यहां भी ये 10 और ये 20, तो ये 20, 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैंने जाना है 40 स्पेसेस टू द लेफ्ट। बोल बेटा किस डायरेक्शन में चलूं? लेफ्ट का मतलब ओ एक्स में कि ओ एक्स डैश में? ओ एक्स में जाऊं, नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में? लेफ्ट राइट में कहते हैं तो इधर जाती, लेफ्ट का मतलब अब इधर जा रही।
कितने यूनिट जाना है मुझे? 40 40 यूनिट। अगर मैं 40 यूनिट लेफ्ट में जाऊं तो क्या मैं पहले क्वाड्रेंट में ही रहूंगी कि सेकंड में घुस जाऊंगी? सेकंड सेकंड में घुस गई। 20 यूनिट तक यहां पहुंची हूं और अगले 20 यूनिट कवर करके मैं यहां पे पहुंची हूं। बच्चे इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो मुझे जल्दी से फटाफट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। -18 कॉमा -18.20 अच्छा जी, -18.20। बेटा जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल चलते हैं तो कौन नहीं बदलता? हाँ वाई नहीं बदलता। इसका मतलब वाई तो 18 है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल चल के बी तक पहुंची हूं तो वाई ने तो बदलना ही नहीं, वो तो 18 ही रहेगा। एक्स में क्या बदलाव आएगा? व्हाट इज द चेंज इन एक्स? बच्चे ध्यान से समझो, पहले यहां से यहां तक आए 20 यूनिट चले गए, यहां से यहां आगे कितना चले और 20। ट्वेंटी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर? -20। क्यों? तो -20 बी के कोऑर्डिनेट -20.18। समझ में आई है बच्चों ये बात? चलिए फिर सीट पर ध्यान से काम किया करो तभी समझ में आएगा, वरना तो बैठे रहोगे तो नहीं समझ में आने वाला है। और 9th A वालों से ही आंसर लेने हैं मैंने। 9th B वाले तो काम कर रहे हैं, 9th A वाले बैठे हैं मजे से, तो अब आंसर मैंने वहीं से लेने हैं। फटाफट क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट है -15.0। ए पॉइंट इज -15.0। मैं गई हूं 15 स्पेसेस मार्सिल राइट एंड 15 स्पेसेस बिलो। फिफ्टीन स्पेसेस टू द राइट एंड 15 स्पेसेस बिलो, वेयर एम आई? हाँ जी, 9th A से कौन आंसर दे रहा है? आ जाओ आगे, आ जाओ माइक के पास। कौन बताएगा? 9th A से। 9th A से आशीष सेवन एब्सेंट है। ओके जी। त्रिशा वेयर इज त्रिशा? आ जाओ बच्चे माइक के पास आ जाओ। -15.0 मतलब वेयर एम आई? -15.0 किस क्वाड्रेंट में है? किसी क्वाड्रेंट में है या किसी एक्सिस पर है? कौन एक्सेस पर से एक्सिस पर है बच्चे? नेगेटिव एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सिस। -15.0 मान लेते हैं यहां पर है अभी हम। मुझे क्या कहा गया? पहले कहाँ जाना? 15 स्पेसेस राइट। किधर जाऊं, एक्स डैश की तरफ की एक्स की तरफ? एक्स की तरफ एक्स की तरफ। 15 यूनिट चली तो कहां पहुंचूंगी बच्चे? कहां पहुंचूंगी? मैं यहां से 15 यूनिट इस तरफ चलूंगी, का किस पॉइंट पे पहुंची? इसको अगर मैं ए कह दूं तो बेटा ये ओ ए डिस्टेंस कितना था? 0 पर जीरो पर। ओ ए डिस्टेंस 15 था, मैं इधर पहुंची तो यहां आ गई हूं। फिर किधर जाना है मुझे? 15 स्पेसेस बिलो तो किधर जाऊं, वाई डैश की तरफ कि वाई की तरफ? वाई डैश की तरफ। कितने? 15 यूनिट नीचे चलना है मुझे। मैं यहां पहुंच गई हूं, बताइए जी क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के? 0.-15 0.-15। हमें मालूम है कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता है, चलिए बेटा सीट पर, इफ अ पॉइंट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 और नेगेटिव वाई पे है, तो वाई वाले के साथ कर दिया -15। नेक्स्ट है हमारे पास लिखो जी। अ मैन मूव्स 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। 30 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 50 मीटर्स
towards south, and finally 10 meters towards east. Considering his initial position at origin, initial position कहां पर assume करके चलनी है हमने, origin पर. ये तीन movements करने के बाद पहले north में गया origin से, फिर south में चले गया और उस position से फिर east में चला गया, तो जो final position है उसके coordinate क्या है? फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट जल्दी जल्दी फटाफट हाथ खड़े कर देना. 9th B से आंसर लेना मैंने इस बार. 9th B वालों ने सोच लिया कि आंसर तो 9th A से ही पूछना है, वरना तो हमने करके करना क्या, हम बैठ ही जाते हैं आराम से, है ना? करो जल्दी जल्दी, ओरिजिन से शुरू करो. 30 मीटर नॉर्थ में, 50 मीटर साउथ में और 10 मीटर ईस्ट में. ये है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. I'm done. बोलो जी आंसर, बोलो फिर. 10, -20. हम चले 30 यूनिट नॉर्थ में, मान लो यहां पहुंच गए, वाई एक्सिस पर हैं, 30 यूनिट मतलब 0 30 पर. अब 50 यूनिट साउथ में, तो ये नहीं इसमें 50 ऐड कर दो, वो काम मत करना. ये 30 यूनिट चल के तुम 0 पे पहुंचे हो और 20 चले तो यहां, इसका मतलब 0, -20 पर. अब इस पोजीशन से, ये मेरी इनिशियल पोजीशन ओ थी, एक मोमेंट के बाद ए, फिर बी और 10 मीटर ईस्ट में. अगर 10 मीटर ईस्ट में चली हूं, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 10 और वाई पैरेलल टू एक्स चली, तो वाई तो बदलना नहीं है, सो 10, -20. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास. ये एक फिगर दिया है मुझे, दिस इज मोर और लेस सिमिलर टू योर सेकेंड क्वेश्चन. कर चुके हो सब कुछ, जल्दी जल्दी से आंसर बताना है बस. अब आपने PQRS, ये एक रेक्टेंगल दिया है. चलो पहले रेक्टेंगल जैसा लग नहीं रहा ना, स्क्वायर जैसा लग रहा है. ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस. पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन. इस रेक्टेंगल का सेंटर कहां पर है? ओरिजिन पर है. और अब क्या कहा गया है मुझे, लेंथ पी क्यू इज 2a यूनिट्स एंड क्यू आर इज 2b. PQ length is given to be 2A units and QR is given to be 2B units. अब आपने PQRS के coordinates बताने हैं. जी बच्चों, हम क्या कर रहे थे कि ये डिस्टेंस PQ 2A है और QR डिस्टेंस 2B है. ये सेंटर है, PQRS के कोऑर्डिनेट्स आपने बताने हैं. हाँ जी, कर लिया क्वेश्चन सभी ने? इतनी देर जब लाइट गई हुई थी तो बैठे हुए थे आराम से. हाँ, लगा P
PQ डिस्टेंस 2A है, QR डिस्टेंस 2B है, ये सेंटर है। PQRS के कोऑर्डिनेट्स आपने मुझे बताने हैं, फटाफट बोलो क्या आएंगे। इस पॉइंट को MN से M-N- बोल देते हैं। अगर PQ डिस्टेंस 2A है और ये सेंटर है, तो MQ डिस्टेंस कितना है बच्चों? व्हाट इज MQ डिस्टेंस? टोटल टोटल 2A है, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये ए हो जाएगा ना बेटा, 1A। और ये QM- डिस्टेंस कितना होगा? 1B। तो इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? वन कॉमा वन या ए कॉमा बी? A, ये डिस्टेंस 2 यूनिट नहीं दिया हुआ, 2A दिया है। 2A का आधा किया तो A, ये B, सो Q के कोऑर्डिनेट AB। अब B के कोऑर्डिनेट बोलो। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस अभी भी B ही है, नेगेटिव X में आ गए, तो -A B। व्हाट अबाउट S -B एंड व्हाट अबाउट R? ए कॉमा माइनस बी, क्योंकि ये डिस्टेंस अभी भी ए है, ये डिस्टेंस अभी भी बी है, लेकिन नेगेटिव वाई में आ गए हो, तो इसको हम कह देंगे माइनस। लो जी, क्वेश्चन दिया है आपको, x+3,5 इज इक्वल टू 2,2 - y, फाइंड एक्स एंड वाई। जल्दी जल्दी बताना, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। दिस ऑर्डर्ड पेयर इज सेम एज दिस ऑर्डर्ड पेयर, और ऐसे दिस पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई? जल्दी जल्दी फटाफट। अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था कि अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी दिया है, इसका मतलब क्या था? इज इक्वल टू डी तो यहाँ पे लगाओ फटाफट, x+3 इज इक्वल टू 2 एंड 5 इज इक्वल टू 2 - y, तो x और y की वैल्यू क्या क्या आ गई? हाँ जी, व्हाट इज x एक्स माइनस एंड वन व्हाट इज y? y की वैल्यू, टेन हे राम बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 8वीं में कितनी बार करी? ये वही को इधर शिफ्ट कर दिया, पॉजिटिव हो गया, ये 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया, नेगेटिव में चले गया, तो आंसर -3 आएगा या 7 आएगा? माइनस वैल्यू ऑफ वाई इज -3 एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज -1। एक लास्ट क्वेश्चन कर दो बस, फिर हम करते हैं क्लोज। क्वेश्चन है, ये दिया है मुझे x-8, एक पॉइंट दिया है, इसमें x की वैल्यू बतानी है, ध्यान से सुनना, x की वैल्यू बतानी है। इफ दी ऑर्डिनेट इज, ऑर्डिनेट इज 4 मोर देन एब्सिस्सा, ऑर्डिनेट 4 ज्यादा है एब्सिस्सा से, तो एब्सिस्सा क्या है? सिंपल मैथ है, कुछ नहीं कहा इसमें मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम नहीं है, सिर्फ मैथ मैथ बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है। बोलो जी, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ओ बस तभी मैंने कहा था। बच्चों पहले तो इसको इससे बताओ कि ऑर्डिनेट बड़ा है कि एब्सिस्सा बड़ा है? हे भगवान, सामने से दिया है ऑर्डिनेट इज 4 मोर, मोर का मतलब ज्यादा
तो कौन बड़ा है? ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट बड़ा है एज कंपेयर टू एब्सिस्सा. आप अगर मुझे कहो चार, तो फिर एब्सिस्सा बड़ा हो गया ऑर्डिनेट से. ये बड़ा है, ये ऑलरेडी बड़ा है. किससे? इससे. कितना बड़ा है? चार. इसका मतलब ये इसके कंपैरिजन में चार छोटा है. कितना? -4. ये भगवान, बहुत. माइनस चार. अब बताना जरा, माइनस आठ से बड़ा है छोटा है? फिर गड़बड़ करी जा रहे हो. मैं -12. -12, इसीलिए मैंने कहा था ये सिंपल मैथ है, छठी क्लास वाला. ऑर्डिनेट मैट्रिक का तो कुछ भी नहीं है इसमें. ऑर्डिनेट को बड़ा करना है. कितना बड़ा करना है? चार यूनिट. किससे? एब्सिस्सा से. इसका मतलब एब्सिस्सा इसके कंपैरिजन में चार कम है. ठीक है जी. तो ये कितना है? -12. -12 में चार ऐड करके -8 पे पहुंचोगे. सो आंसर हियर इज -12. ठीक है जी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. एमसीक्यूज वी हैव डन फॉर द मॉड्यूल. आपकी केस स्टडी और असर्शन रीजन रह गए हैं जो अगले क्लास में करेंगे. कल असाइनमेंट ले लें. कल अपनी असाइनमेंट्स ले लेना आप लोग. कल मिल पहुंच जाएंगे. हाँ पहुंचते कल पहुंच जाएंगी आपके पास असाइनमेंट्स. मैम आप इनको प्लीज डिस्ट्रीब्यूट कर देना और कोशिश करना उसको लेके जाओ ताकि अगले क्लास में जो प्रॉब्लम हो वो हम डिस्कस करें. ओके मैम. ओके मैम. ओके ओके. बाय बाय मैम. बाय मैम. बाय मैम.